हेलो सुखबीर जी, वेलकम है आपका। अभी तो ये मुझे कमेंट सही दिखा रहे हैं, पहले तो नहीं दिखा रहा था। स्टार्ट करेंगे स्टीवी स्मिथ को आज। हेलो कुलबीर जी, अब दिखा रहे हैं, है ना। पहले मेरे पास मैसेजेस नहीं आ रहे थे, ये बड़ी ही प्रॉब्लम ये इसके साथ हो रही थी, थोड़ा लेट आ रहे थे। हाँ कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। स्टीव स्मिथ, जब मेरे को पहली बार नाम सुनाई दिया गया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था स्टीव नाम होगा, तो बॉय होंगे, ठीक है, मेल होंगे। दरअसल ये क्या है, स्टीव स्मिथ हैं, तो स्टीवी जो है ये फीमेल है। हेलो मंजीत, हेलो आनंद, नमस्कार। तो स्टार्ट करते हैं हम। फुल नेम इनका, पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है फ्लोरेंस, क्योंकि ऐसे भी नाम दे सकता है। हेलो प्रीत, प्रीत धलीवाल जी, हेलो। फ्लोरेंस मार्गरेट स्टीवी, ठीक है। ये जो है ये स्टीवी स्मिथ, इस तरीके से है इनका नाम। फुल नेम इनका अगर है तो वो ये है, जो आपको नेट पे ज़्यादातर जगह मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें इनकी ऐसी हैं, मतलब पोइट्री इन्होंने ज़्यादा लिखी है, नॉवेल्स भी लिखी हैं, क्योंकि ये जर्नलिस्ट भी थी, ठीक है। तो इन्होंने बीबीसी जो न्यूज़ चैनल है। हेलो सीरत, हेलो रविंदर जी। हाँ जी रविंदर जी, बहुत दिनों बाद दिखे, है ना। कल तो मैं भी ऑफ पर थी, उससे पहले संडे भी मैं ऑफ पर थी। फ्लोरेंस मार्गरेट स्टीवी, ठीक है। स्मिथ जो है, ऐसा हो सकता है कि इनकी बाद का सरनेम हो। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि वैसे तो मैं बताऊंगी कि इन्होंने बीबीसी के साथ भी काम किया है, ठीक है। बीबीसी के साथ इन द सेंस, वहां पे एज अ रिपोर्टर काम किया है, ठीक है। दो ज्यादातर चीजें इनके बारे में आपको मिलेंगी नहीं। चाइल्डहुड में जो इनका नाम था, पैगी बोला जाता था, ठीक है। पैगी इनका एक निक नेम आप कह सकते हो, कि निक नेम इनका पैगी रहा होगा। इसके बाद ये लंदन में एक जगह में रहती थी, मतलब वैसे तो ये इंग्लैंड से थी, बट बहुत एक अच्छा टाइम इनका लंदन में बीता है। मतलब जब ये 3 साल की थी तो ये लंदन शिफ्ट हो गए थे। लंदन में ये जिस घर में रहती थी, पाल्मर्स करके एक जगह है वहाँ पर, पाल्मर्स ग्रीन, ठीक है, ये एरिया है नॉर्थ लंदन में। जब ये रहती थी तो इन्होंने अपने घर के बारे में एक पोम लिखी है, बहुत ही अच्छी पोम है वो, और इस पोम का नाम है ए हाउस ऑफ मर्सी। तो ये जो इनकी पोम है, इस पे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं मिलेगा, शायद किसी किसी जगह इसका ईयर भी नहीं मेंशन, तो ज़्यादातर बुक में नहीं मेंशन किया हुआ इनको। तो मैंने भी जितना मुझे रिसोर्स या सोर्सेज से मिला, मैंने वो गैदर करके यहाँ पे आज लेकर आई हूँ। तो चाइल्डहुड का जो नाम है वो पेगी था। दूसरी चीज़, अपने नॉर्थ लंदन में जब ये रहा करती थी, उस घर के बारे में इन्होंने एक पोम लिखी है, अ हाउस ऑफ मर्सी। थोड़ी ही रेफरेंस हमें इसकी ज़्यादा मिलती नहीं है, थोड़ी ही मिलेगी। नेक्स्ट जो चीज़ हमें इनके बारे में ध्यान रखनी है वो ये, इन्होंने एज अ सेक्रेटरी भी काम किया है, ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, एक पब्लिकेशन हाउस था जिसके साथ ये काम करती थी, 2 लोग थे उसमें, लेकिन मैंने यहाँ पे एक को ही मेंशन किया है, सर नेविले पियर्सन, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। एट न्यूनेस, न्यूनेस पब्लिकेशन या पब्लिशिंग, ठीक है, पब्लिशिंग हाउस है ये, 1923 से लेकर 1953 तक। मतलब अगर आप इनका टाइमलाइन देखो, 1902 था ना, तो 1902 से लेकर ये टाइम देखो, कितने एक अच्छे टाइम, मतलब 33 देन 43 देन 53, 30 साल से ऊपर लगभग इन्होंने इस पब्लिकेशन कंपनी के साथ काम किया है। सर नेविले उसके ओनर हुआ करते थे, सर नेविले पियर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये पर्सन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने पब्लिकेशन में भी हेल्प की थी। दूसरी बात, जब ये बीबीसी के साथ काम करती थी ना, इस टाइम के ही अराउंड, तो इनकी पोम्स जो ये लिखा करती थी, ये पर्सन जो है पब्लिश कराने में हेल्प करते थे।
क्योंकि एज अ सेक्रेटरी काम किया ना, इसलिए। अब इसी की बात करते हैं हम, बीबीसी कि बीबीसी में एक जब काम करती थी, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट या ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट चैनल आज भी है, और बहुत सारे इंडियन चैनल्स भी ऐसे हैं जो बीबीसी के फॉलो करते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट, ठीक है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे जितने भी फेमस न्यूज़ चैनल्स होते हैं, ये पता है कि प्राइवेट ओनरशिप कहीं ना कहीं होती है। तो ये क्या करती थी, ये यहाँ पे रीडिंग करती थी, किस चीज़ की, पोइट्री की, पोइट्री करती थी। होता है ना ब्रॉडकास्ट में कोई कोई जर्नलिस्ट या रिपोर्टर ऐसा होता है कि अपना वो पर्टिकुलर क्या करता है, एक एपिसोड लेकर आता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इनका क्या काम था कि ये जो बीबीसी पे जब ये एज अ जर्नलिस्ट आती थी, तो ये ना सिर्फ पोइट्री को रीडिंग करने आती थी, मतलब अपनी पोम्स को रीड करती थी, प्लस ब्रॉडकास्ट भी करती थी। यानी कि एक तो ये एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही थी वहाँ पे, एज अ रीडर रिपोर्टर काम कर रही हैं, दूसरा ये अपने एक अलग अपना, मतलब एक सीरियल कह सकते हैं उसको, इनका अपना भी एक अलग स्लॉट था बीबीसी के चैनल पर। यहाँ से इनका बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल बढ़ा, इनके फ्रेंड सर्कल में सिल्विया प्लाथ का नाम भी आता है, ठीक है। ग्रोइंग विमेन की बात कर रहा है ये, कि ये तो एज अ जर्नलिस्ट काम करती थी, पोइट ये वैसे ही थी, पोइट भी और नॉवलिस्ट भी, ठीक है, सेक्रेटरी भी थी एक पब्लिकेशन हाउस में। सिल्विया प्लाथ ने इन्हें एक लेटर लिखा था, ठीक है, जब वो सुसाइड कमिट कर लेती हैं, जो टेड ह्यूजेस की वाइफ थी, जब हम टेड ह्यूजेस को डिस्कस कर रहे थे, मैंने तब भी ये बताया था सिल्विया प्लाथ का, कि खुद भी बहुत ही ज़्यादा वो पेसिमिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी कुछ हद तक। तो इन्होंने एक लेटर भेजा था स्टीव स्मिथ को, और क्या लिखा था, ए डेस्परेट स्मिथ एडिक्ट। इस लेटर में इन्होंने तारीफ करते हुए ये लिखा था सिल्विया प्लाथ ने, और ये जाहिर की थी, मतलब पॉसिबिलिटी कि ये फ्यूचर में इनसे, स्टीव स्मिथ से मिलना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सिल्विया प्लाथ एज अ पोएट जब बीबीसी चैनल देखा करती थी, तो इनकी पोएट्री को वो बहुत ज़्यादा प्रेज किया करती थी। तो सिल्विया प्लाथ की रेफरेंस आपको मिल जाएगी कि सिल्विया प्लाथ ने इनको बहुत ज़्यादा एडमायर किया था, वो मिलना चाहती थी, बट बिफोर दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड। नेक्स्ट, स्टीव स्मिथ को जो दो लोग पढ़ने बहुत पसंद थे, पहला ये टेनिसन को पढ़ती थी, मतलब जो जिनकी इंजॉय करती थी, शी इंजॉयड रीडिंग, किस किस की, दो लोग थे, एक टेनिसन यानी कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और ब्राउनिंग, ये रेफरेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कहे जा सकते हैं, एक मिनी ड्रामेटिक मोनोलॉग के फादर कहे जाते हैं। एक और पॉइंट से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अवार्ड्स, थोड़े से अवार्ड्स अगर हम ध्यान रखें, तो जैसे हमने जब टेड ह्यूजेस को हम पढ़ रहे थे, तो हमने गैलब्रेथ अवार्ड जो उनको मिला था उसके बारे में बात की थी, कि जब किसी वर्क को, जब किसी पोएट्री को या किसी राइटर को कुछ स्पेशल अवार्ड मिलता है उसके वर्क के लिए, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये भी थोड़ी सी हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको दो अवार्ड मिले थे। फर्स्ट जो अवार्ड था वो था चोमोंडेले अवार्ड, जो कि अगेन पोइट्री के लिए मिला था, मतलब जिस तरीके की पोइट्री इन्होंने लिखी, ठीक है, ये मिला था 1966 में। ईयर थोड़ा सा ध्यान रखना, पोइट्री के लिए मिला था। कई बार ये पूछ लेता है कि चोमोंडेले अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया गया था स्टीव स्मिथ को, तो पोइट्री के लिए दिया गया था। एक दूसरा अवार्ड मिला था इन्हें, वो था क्वींस गोल्ड मेडल, ये भी अगेन पोइट्री के लिए मिला था, और ये मिला था 1969 में। तो दोनों ही जो अवार्ड मिले हैं वो पोइट्री के लिए मिले हैं, इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनमें आज सच जितनी भी चीज़ें थी स्टीव स्मिथ के बारे में मैंने आपको बता दी हैं, जो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो यही चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इनके वर्क की, सेम वही चीज़ है जैसे बटलर के वर्क में, मैंने कहा सैमुअल बटलर को जब हम कर रहे थे, कि बहुत कम चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको क्लियर होगा क्योंकि नेट पे ज़्यादा दिया नहीं गया है। तो जिन राइटर्स पे ज़्यादा दिया नहीं जाता तो उनके बारे में कम ही पूछता है क्योंकि उनके वर्क से आएगा फिर क्वेश्चन। तो अब इनके वर्क को अगर हम देखें क्या क्या वर्क से हैं,
मैंने इनके वर्क में क्या किया है कि मैंने सीक्वेंस में जब बनाया है तो साइड में लिख दूंगी, क्योंकि नॉवल है या पोम्स है, ठीक है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी जब आप अपना चार्ट बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा. ए नॉवल ऑन येलो पेपर, ठीक है, द येलो वॉलपेपर भी था एक गिलबर्ट पर्किंस का. ये जो वर्क आया था इनका आया था 1936 में, ठीक है, ये नॉवल है. नेक्स्ट है ए गुड टाइम वॉज हैड बाय ऑल. ये जो इनका वर्क है ये 1937 में आया था. ये जो है ये पोम है, ठीक है, अंडरलाइन कर देती हूँ. ये जो वर्क है ये नॉवल है, ये जो वर्क है ये पोम है. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वर्क इनका, ओवर द फ्रंटियर. ओवर द फ्रंटियर 1938, ठीक है, ये जो है ये नॉवल है. तीन नॉवल आई हैं बेसिकली इनके, जो स्टार्टिंग का टाइम अगर बात करें तो, ठीक है. नेक्स्ट है टेंडर. नाम ध्यान रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इनमें से नाम का ही क्वेश्चन पूछेगा. टेंडर ओनली टू वन, 1938 में ही आया है ये वर्क, लेकिन ये क्या है, ये पोम है. इससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. ये नॉवल है, ये पोम है. नेक्स्ट वर्क मदर व्हाट इज मैन. थोड़ा सा ईयर कैची लग रहा है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नाम याद रखना पड़ेगा. 1942, ये पोम है, ठीक है. तो ये जो पोम है इसका नाम ध्यान रखना पड़ेगा. अब नेक्स्ट वर्क की बात करती हूँ इनकी. वर्क नंबर 6, अलोन इन द वुड्स. अलोन इन द वुड्स 1947 में आया था इनका ये वर्क. कुछ ऐसे वर्क हैं सुनीता जी, ईयर देखने पड़ेंगे, ठीक है. सबसे पहली बात तो आपको ये राइटर का पता होना चाहिए ना. वैसे तो मास्टर कैडर के क्या बेनिफिट मैंने देखा है कि ईयर ना सेम एज में से देता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैंने इनको सीक्वेंस में ऑलरेडी लगा दिया है. अगर ईयर ध्यान रख सकते हो तो ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ईयर याद रखना, ठीक है, काम याद रखना इसका. सबसे पहले ईयर का अंदाज़ा एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ये पोम है. कुछ वर्क इसके ऐसे हैं जो आप जैसे विकिपीडिया अगर सर्च करोगे तो विकिपीडिया पे एक दो वर्क नहीं थे. एक दो अलग वेबसाइट देखी है तो वहाँ पे वो वर्क मेंशन किए हुए थे. तो मैंने कोशिश यही की है कि कोई भी वर्क ना छूटे, मैं कैलेंडर की तरह उसको बता दूँ बिल्कुल सीक्वेंस में. नेक्स्ट वर्क है इसका द हॉलीडे. द हॉलीडे 1949 में, ये जो है ये नॉवल है, ठीक है. इन वाले राइटर्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है कि इनका जो मटेरियल है ना अवेलेबल नहीं है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये दिए गए हैं पढ़ने के लिए. तो मैं यही कहूँगी कि इनके सबसे पहले तो इनका नाम ध्यान करो, ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में देखो कि पूछा क्या गया है, क्योंकि इनसे ज़्यादा नहीं पूछेगा फिर उस हिसाब से. पहले इनका वर्क पता होना चाहिए, देन अगर ईयर पूछता है तो एक दो बार अगर आप डेली पढ़ लोगे ना, तीन चार बार भी, तो रिवाइज करने की नेक्स्ट टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएंगे. नेक्स्ट है हेरोल्ड्स लीप. इसे नाम से थोड़ा सा याद कर लेना, जैसे लीप ईयर होता है, ठीक है. हेरोल्ड्स लीप 1950 में आई थी. ये जो है ये इसकी पोम है. नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं. ये मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज जब आप और जगह से पढ़ोगे ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं, ऊपर नीचे भी दिए हुए हैं, और काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे चार वर्क इसके दिए हैं, देन एक दो मिस हैं, फिर विकिपीडिया पे भी सारे नहीं दिए हुए हैं. आप चाहे चेक कर लेना अपने आप. नॉट वेविंग, नॉट ड्राउनिंग.
ये नाम पूछ लेता है, ठीक है। 1957 में आई थी, ये आई थी पोम। अब जो नेक्स्ट वर्क है इसका 10, सम आर मोर इम्पॉर्टेंट मोर ह्यूमन, सम आर मोर ह्यूमन देन अदर्स, ये एक टाइटल है इसका, ठीक है, वर्क है इसका एक, ये सम आर मोर ह्यूमन देन अदर्स 1958। ये जो है ये नॉवल है, सम आर मोर इम्पॉर्टेंट या मोर ह्यूमन देन अदर्स 1958। अब वर्क नंबर 11 देखते हैं, 15-16 वर्क हैं इसके जो देखने हैं हमें, ठीक है। अगर नेक्स्ट वर्क देखें तो हम हैं सिलेक्टेड पोम्स, सिलेक्टेड पोम्स 1962 है आई गेस, हाँ 1962 में पोम द फ्रॉग प्रिंस एंड अदर पोम्स, अदर पोम्स ये पोयम ही है, 1966 में आई थी। अच्छा कुलवीर जी, ये बट है, सही कह रहे हो, नॉट वेविंग बट ड्राउनिंग, ठीक है यही है। हाँ जी कुलवीर जी, बट है, मेरे को वही ध्यान रहा, नॉट होगा, बट है, ठीक है। ईयर देख लेना, ईयर मेरे ख्याल से ईयर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने सर्च करके ही यहाँ पे मेंशन किया था। द बेस्ट बीस्ट नेक्स्ट वर्क, इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मुझे सिर्फ नाम ही पता चला कि ये जो पोम की कलेक्शन थी आई गेस, बुक का तो मुझे नहीं पता चला, ईयर पता चला बस कि 1969 है, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है। 2-in-1 2-in-1 ये 1971 में इसकी एक पोम थी जो कि आई थी, ये भी पोम ही होगी, द बेस्ट बीस्ट, थोड़ा सा इसका देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्कॉर्पियन एंड द अदर पोम्स, हाँ यही है स्कॉर्पियन एंड द अदर पोम्स। में क्योंकि पोम है तो पोम ही होगी। एक 1972 में इसका एक और वर्क आया था, कम ऑन कम बैक, ठीक है, ये भी 1972 में ही है। यही है और पोम ही है। अब आगे देखते हैं, पोस्थोमसली इनका बहुत सारा वर्क आया है, 2015 तक आया है, ठीक है, 16 हो गया ना, 17 कलेक्टेड पोम्स, 72 कलेक्टेड पोम्स जो है वो 1975 में आई है, क्योंकि पोम्स है, इसी से पता चल गया होगा कि पोम्स की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट मी अगेन, अनकलेक्टेड अनकलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ स्टीव स्मिथ, अनकलेक्टेड राइटिंग्स ऑफ स्टीव स्मिथ, इसके बारे में खास क्या है, ये जो मी अगेन है ना, दरअसल क्या है, ये नॉवल है, ऐसी रेफरेंस मिली है कि पोस्थम असली पब्लिश हुई थी, तो ये ज़्यादा तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन सी पोम है और कौन सी नॉवल है। ज़्यादातर पोइट्री है, ठीक है, ज़्यादातर पोइट्री हैं,
ये भी मैं आपको बता रही हूँ, पोएट्री ये कलेक्शन हम उसको बोल सकते हैं, तो पोस्थमसली ये जो है पब्लिश हुई थी, मी अगेन, अनकलेक्टेड राइटिंग्स। अनकलेक्टेड राइटिंग्स में ऐसे भी आ जाते हैं, ऑफ स्टीव स्मिथ। तो 19th जो इनका वर्क हो गया वो हो गया ए वेरी प्लेजेंट इवनिंग विद, अ वेरी प्लेजेंट इवनिंग विद स्टीव स्मिथ। सारे नाम विकिपीडिया पे भी शो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह से फिर लिए हैं, सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज, सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज ये कब आई है, 1995 में पोस्थमसली आई है। अब आप ईयर देखो, 1971 में चली गई, 81 में नॉवल आई है, देन ये 1995 में इसका वर्क है। स्टीव स्मिथ इसलिए भी हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि इनके ऊपर ह्यूग विटमोर, ठीक है, एक प्ले राइट थे, तो इनके ऊपर ना एक प्ले भी बना है, ठीक है, जिसका नाम था स्टेवी। पेन चेंज कर लूँ एक बार, स्टेवी, ठीक है, ह्यूग व्हाइटमोर, ये एक इंग्लिश प्ले राइट थे, कहते हैं ना प्ले राइटर, ठीक है, तो और डायरेक्टर भी थे, ठीक है। तो इस पर्सन का थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्ले का नाम ये था, स्टीव स्मिथ की लाइफ के ऊपर बना था। जब आप ओपन करोगे ना साइट, तो सबसे पहले आपको यही चीज़ देगा कि ह्यूग व्हाइटमोर ने इनकी लाइफ के ऊपर एक प्ले भी बनाया था, तो कई बार प्ले का नाम पूछ लेता है, ठीक। तीन अदर वर्क हैं इनके, अदर वर्क इसलिए क्योंकि ये राइटर हमारे लिए कुछ हद तक जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी करंटली भी इन पर काम चल रहा है। पहला जो इनका वर्क है, मतलब सम अदर वर्क लिख रही हूँ मैं, सम अदर वर्क पोस्थमसली ही आएंगे, पहला तीन वर्क हैं, न्यू सिलेक्टेड पोम्स ऑफ स्टीव स्मिथ, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, मतलब पोम्स ही हैं, द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिहेविंग करके है, द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग, कि विश्वास करने की जरूरत नहीं है, यही है, हाँ, 1958, यही है, द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग। थर्ड, द कलेक्टेड पोम्स एंड ड्रॉइंग्स, ये अभी रिसेंट आई है, मतलब ज़्यादा रिसेंट भी नहीं कहूँगी, थोड़े ही टाइम पहले, ड्रॉइंग्स ऑफ स्टीव स्मिथ 2015 में, ठीक है, जिसमें इनकी कलेक्शन आई है कुछ पोम्स की, मतलब रिवाइज्ड भी नहीं कह सकते और ये भी नहीं कह सकते कि वो पहले आ चुकी थी, तो इन पे अभी भी काम चल रहा है, इसीलिए ये जो वर्क है इनका ये बाद में आ रहा है, जैसे जैसे लोग रिसर्च करते होंगे उस हिसाब से आती होंगी, ठीक है। तो न्यू सिलेक्टेड पोम्स ऑफ स्टीव स्मिथ, द नेसेसिटी ऑफ नॉट बिलीविंग, या द कलेक्टेड पोम्स एंड ड्रॉइंग्स, एस वी है, ड्रॉइंग्स ऑफ स्टीव स्मिथ, ठीक है। तो स्टीव स्मिथ पर ये इतना ही था, बहुत सारी जो चीज़ इनके बारे में ध्यान रखनी है, सबसे पहली जो चीज़ है वो है नाम, ठीक है। दूसरा, कि लंदन के घर में जब ये रहती थी, हाउस ऑफ मर्सी, इन्होंने जो पोम लिखी ना, कई बार उस पोम का नाम पूछ लेता है। आजकल मैं देख रही हूँ ग्रुप में बहुत सारे लोग जो हैं वो करते हैं, क्वेश्चन सेंड करते हैं, अच्छी बात है क्वेश्चन सेंड करना, और बाकी अदर ग्रुप्स का भी पार्ट है वो भी सेंड करते हैं, तो लगे रहिए, मेन पर्पस है लर्निंग। कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं यूज़ कीजिए, डाउट आता है, क्योंकि कल एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे भी डाउट था, ठीक है, मैंने भी किंडल एडिशन फॉलो किया हुआ था, तो उसमें कुछ और आंसर था, हालांकि मुझे पता था कि ये डाउटफुल है, लेकिन जो मैंने किया क्योंकि मैं टाइपिंग में बिजी थी पूरे टाइम, तो कल मैंने ध्यान दिया नहीं, ठीक है। तो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, कई बार आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब कल देखते हैं, एलिजाबेथ गास्कल रह गई हैं, ठीक है, विक्टोरियन, ऑलमोस्ट हमारी विक्टोरियन जो है मुझे लगता है ख़त्म होने वाली है, विक्टोरियम ख़त्म करने के बाद
कंटेम्प्रेरी में दो दो राइटर्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी के साथ में इंडिया ने स्टार्ट नहीं करना चाह रही. मेरा पर्पस यही है कि सबसे पहले कंटेम्प्रेरी को ख़त्म किया जाए ताकि मॉडर्न और इंडियन कुछ हद तक साथ चले. तो सबसे पहले कल हम इन्हीं को फिनिश करेंगे, मतलब विक्टोरियन फिनिश हो जाएगा, देन कंटेम्प्रेरी, फिर ठीक है, फिर मॉडर्न एंड इंडियन करेंगे, वो जल्दी हो जाएगा. तो मैं आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहो. कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप पे सेंड कर देना. जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल के अबाउट में जाके चैनल का टेलीग्राम जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, चलो बाय बाय.